गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आप सब ठीक हैं? ठीक आए थे या ठीक हो गए हैं? जब आए थे तो ठीक थे, तो फिर अब भी ठीक हैं, तो आने का फायदा क्या हुआ? अच्छा, अभी ठीक हैं, सब ठीक बैठे, अपनी सीट पसंद है, नाश्ता पसंद आया, लंच में अभी देर है, तो बीच का टाइम है आत्मा की उन्नति करने के लिए। मैं ये समझती हूँ कि हम सब जो इस ईश्वरीय सभा में जब बैठते हैं, तो भले ही एक स्थान ऊंचा बनाया जाता है, माइक सामने रखा जाता है, कोई ज्ञान की लेन देन की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुनाने वाला या ज्ञान जानने वाला सिर्फ यहाँ ही बैठा है और ये जो हैं नहीं जानते। मेरा ये विश्वास है कि आप सब बाबा के बच्चे एक से बढ़कर एक ज्ञान की अच्छी समझ रखने वाले हैं और उसका जीवन में अभ्यास भी करते हैं, ऐसा है? अगर आप एग्री हैं कि आप ज्ञानी तो आत्मा हैं और धारणा मूर्त हैं, तो ऐसे करके डांस करिए, हैंड डांस। कौन से हाथ से करें? राइट हैंड से हैंड डांस। अच्छा, लेफ्ट हैंड से करके दिखाइए, अभी दोनों हैंड से। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि हम सब एक ग्रुप डांस कर रहे हैं, खुशी का डांस कर रहे हैं। तो वो सभा जहाँ पर सब खुश हों, सब खुश हों, कोई भी ना खुश ना हो, सब संतुष्ट हों, कोई भी असंतुष्ट ना हो, उस सभा पर भगवान की दृष्टि ज़रूर पड़ती है। तो अभी जितना भी हम समय बैठेंगे, ये अनुभव करें कि बाबा हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कितने खुश हैं। और ईश्वरी विद्यार्थी होने के नाते हमें आदत है, रॉयल हैबिट है, कि हम अपनी रेगुलर चेकिंग करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही है कोई अवधि, ड्यूरेशन। अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छा, आप लोगों ने मक्खी को भी निमंत्रण दिया था क्या? तो जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो कोई पढ़ाई एक साल के लिए होती, कोई दो साल के लिए होती, चार, पाँच, दस साल, लेकिन ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं राजयोग की, कितना साल पढ़ना है? कितना साल? कोई है जो ये पढ़ाई 50 साल से पढ़ रहे हैं? इस सभा में कोई बैठा है 50 साल से बाबा के पास राजयोग पढ़ रहे हैं? 40 साल वाले? 40 साल से आप पढ़ रहे हैं, और कोई 4 साल से पढ़ रहे हैं, 4 मास वाले भी हो सकता है आ गए हों, तो ये पढ़ाई कब ख़त्म होगी? ये पढ़ाई कब ख़त्म होगी और ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे पास सबसे पुराना स्टूडेंट हैं दादी जी। दादी जी कितने साल से पढ़ रहे हैं? 80 से भी ज़्यादा होने वाला है ना, 80 साल से पढ़ाई पढ़ी जा रही है। तो इस पढ़ाई के अंदर विशेषता है बनने की। सुनना तो द्वापर से होता रहा, लेकिन इसमें बनना विशेषता है। तो पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। कोई ऐसा है नहीं जो कहे बन गया हूँ? कोई है कहे 40 साल वाला कह सकते हैं बन गया हूँ? बनता जा रहा हूँ, बहुत कुछ बन गया हूँ, जो पहले आया था उससे कई कुछ अच्छा बन गया हूँ, बहुतों से अच्छा बन गया हूँ, लेकिन जितना बनना चाहिए उतना बन गया हूँ, ऐसा है? क्योंकि हमें जो लक्ष्य मिला है वो है
बाप समान बनने का। और बाबा कौन है? सागर, ज्ञान का भी सागर है, गुणों का भी सागर है, प्राप्तियों का भी सागर है और शक्तियों का भी सागर है। तो बाबा जैसा बनना माना पढ़ाई पूरी होना। तो फिर ये भी प्रश्न आता है कि क्या ये अहंकार नहीं है कि हम बैठ करके सोचें कि हम भगवान जैसा पढ़ने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? अहंकार नहीं है क्या? इसको अगर ये कहेंगे कि हाँ हम इतना ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, एक तरफ से तो सुनने में ऐसा लगता है कि ये बड़े मियाँ मिठू हैं, भगवान जैसा बनना चाहते हैं, पहले इंसान तो बन जाएं, है ना, अच्छे इंसान तो बने फिर भगवान जैसा बनने की सोचेंगे। लेकिन हमें अगर भगवान ने ही खुद कह दिया कि बच्चे आप मेरे जैसे बनो, हमारे पिता ने ही हमें ये कह दिया कि बाप समान बनो, तो इसका मतलब है कि ये हमें लक्ष्य अपने दिल से लगाना है कि जी बाबा हम ऐसा बनना चाहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या सुनने से ही बनना संभव है? अगर हम सुनेंगे तो सुनते सुनते बन जाएंगे कि बीच में कुछ और भी होना चाहिए? आज की मुरली सबने सुनी? सबने सुनी? यस नो? अच्छा, सुनी हमने 8 बजे तक, 7 से 8 तक मुरली सुनी, थोड़ा कम, और उसके बाद में अभी 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ठीक है। तो 2.5 घंटे में हम जो सुना था हमने वो स्वरूप में लेके आए, आज क्या वरदान दिया बाबा ने हमको, याद है? स्लोगन क्या था याद है? गीत क्या था? तो ये जो सुनते सुनते हमारा लक्ष्य बनने का है, उसके बीच में आता है कर्म। कर्म करेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। तो सुनने वाला बाबा को प्रिय है, लेकिन करने वाला बाबा के दिल में विशेष जगह पाता है। सुनने वाले बच्चों को बाबा शाबाशी देते हैं और करने वाले बच्चों को बाबा थैंक्स देते हैं। स्वयं भगवान उनको रिस्पेक्ट करते हैं। फिर जिन बच्चों का भगवान रिस्पेक्ट करता है, फिर भक्ति मार्ग में कितना उनका गायन और पूजन होगा। तो ये जो पढ़ाई है, जो भगवान हम बच्चों को खुद पढ़ाते हैं कि वो ऐसे क्या कर्म हैं जिससे कि हम भगवान जैसे बन जाएं। तो भगवान के साथ साथ भक्ति मार्ग में हम तत्वों को भी भगवान के रूप से पूजते आए, है ना। सूर्य भी देवता है, चंद्र भी देवता है, वायु भी देवता है, पानी भी देवता है। तो अगर एक बात सोच के देखें कि क्या सूरज देने का कर्म करता है? अगर हम कहें कर्म करना, कुछ करना माना बनना, लेकिन उससे पहले अगर हम ये बात पूछें सूर्य देने का कर्म करता है? करता है? अगर आप कहें कि देखो सूरज कितना ठीक खराब है, कितनी गर्मी दे रहा है, कह सकते हैं? या पता नहीं सूरज आज गर्मी क्यों नहीं दे रहा है, कह सकते हैं? क्या सूरज कुछ कर्म करता है? कर्म का संबंध किससे है? कर्ता से है। कर्ता मना कौन? पुरुष। तत्व तो पुरुष नहीं है ना, तत्व तो आत्मा नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी सूर्य के से जो प्राप्ति होती है वो बिना कर्म के प्राप्ति होती है, तो सूर्य देवता बन जाता है
और इंसान के तो कितने हजारों लाखों इंसान हैं, उनको तो भूल जाते हैं और सूरज की पूजा करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो कर्म है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। कुछ किया ही नहीं लेकिन प्राप्ति करा दी, और कुछ तो करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और शोर मचता रहा, प्राप्ति कुछ हुई नहीं और स्वर्ग नरक बन गया, है ना अंतर? वायु क्या करती है ना, कहते हैं ना वायु शीतलता प्रदान करती है, हल्कापन महसूस होता है, जल शीतलता देता है। तो क्या जल देने का कोई कर्म करता है? करता है? नहीं करता, लेकिन जल से शीतलता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये किस प्रकार की प्राप्ति है, किस प्रकार का कर्म है, इसको बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है स्वरूप द्वारा पालना करना, स्वरूप द्वारा प्राप्ति कराना। जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें जानते हैं और सिर्फ उसको समझते हैं, तब हमको उनको अपने जीवन में कर्म में लाने के लिए याद करके मेहनत करनी पड़ती है। याद किया और मेहनत करके कर्म किया, ये है शुरुआत। जब हम बाबा के पास आए थे तो हमारे पास कितना क्रोध था, दिखाएंगे आप लोग, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, कितना क्रोध था? इतना इतना या इतना? कितना था? बहुत सारा था। कितना लोभ था? सब विकार थे ना। तो आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि बच्चे अपने भूतों को देखो, भूत और देवता, भूत के कर्म अर्थात दुख देने वाले कर्म। कभी क्रोध से किसी को अच्छा लगा है, आप गुस्सा करो और दूसरा व्यक्ति कहे आप बड़े अच्छे हो, नहीं। तो ये जो हमारे अंदर में क्रोध, काम, लोभ, अहंकार, ये सब जो भूत थे जब हम बाबा के पास आए थे, लेकिन जब हमने समझा कि ये नहीं होना चाहिए, तो संस्कार तो परिवर्तन नहीं हुए उस समय, समझ आ गई तो हमने कर्म इंद्रियों द्वारा ये निर्णय किया कि कर्म इंद्रियों द्वारा हम इन भूतों को एंट्री नहीं देंगे, अर्थात उनको ये यूज़ नहीं करने देंगे। कर्म इंद्रियों द्वारा हम वही कर्म करेंगे जो बाबा सिखा रहे हैं, किया ना ये निर्णय हमने। तो वो जो कर्म है वो है ज्ञान युक्त कर्म। सारा समय ज्ञान को याद करके हम अपने संकल्पों को, निर्णयों को इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं। सूरज को ये नहीं करना पड़ता, पानी को ये नहीं करना पड़ता, वायु को ये नहीं करना पड़ता, और भगवान को भी ये नहीं करना पड़ता। क्या बाबा को ये करना पड़ता है? जब बाबा हम बच्चों से मिलते हैं, वो पहले देखें कि ये तो बहुत कई जन्मों की विकारी आत्माएं मेरे सामने आई हैं, और थोड़ा सा बाबा एडजस्ट करें अंदर की गुस्से को, कितना विकार है इनके अंदर, फिर बाबा प्रेम का सागर बन जाए। तो ये जो प्रोसेस है समझ, और उसके बाद में निर्णय, और उसके बाद कर्म, ये तीनों में जो अंतर है वो जब समाप्त तो हो जाता है, उसको कहते हैं स्वरूप बनना। एक ही चीज़ रह जाती है, अच्छाई, सच्चाई, पवित्रता। तो जब इतना शुद्ध हम बन जाते हैं कि जब हमें ये सारा टेक्निकल प्रोसेस जो है, सारी प्रक्रिया जो है अंदर नहीं चलानी पड़ती,
वो कर्म पूजनीय कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो सोच करके करने की स्थिति से और नेचुरल करने से कितना अंतर लगता है वो हमारे हाथ में है। कोई 40 साल लगाएं, कोई 50 साल लगाएं, कोई 30 साल लगाएं, कोई 5 साल में भी बन सकता है। लेकिन एक सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने हमको सिखाई है कि बच्चे हर दिन, हर मास और हर साल देखते रहो कि कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे कहाँ बढ़ रहे हैं एक छोटी सी बात से। वो छोटी सी बात है कि जब हम ऊपर से आए, आत्माएं परमधाम से नीचे धरती पर आईं, तो आत्मा अभिमानी थी ना, पवित्र थी, शक्तिशाली थी, फिर धीरे धीरे देह भान बढ़ता गया। तो अब हम चेकिंग करें कि अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं, बाप समान हैं, ज्ञान प्रमाण हैं, तो मेरे कर्मों द्वारा हर कोई आत्मिक स्थिति में टिकना चाहिए। मेरे कर्म दूसरे को देह भान में न लाएं। देह भान माना स्त्री पुरुष का भान, धन का भान, स्टेटस का भान, देश, जाति, धर्म, ये सब जो भान हैं वो कर्मों से ही तो होते हैं। अगर हम किसी से मिलते हैं और हमारा ध्यान उसकी राष्ट्रीयता पर है, जाति पर है, उसके धर्म पर है, तो फिर क्या होगा, वो भी उस भान में रह करके कर्म करेगा। परमधाम में धर्म जाति है क्या? परमधाम में हम सब आत्माएं परमात्मा के साथ प्यार से रहते हैं, तो वो कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है जो दूसरों को उनके वास्तविक स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, आत्मा रूप में टिकाने में थोड़ा डिग्री भी मदद करे। हमारे होने से कोई कोई ये महसूस हो जाए कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, हम शुद्ध हैं, हमें अच्छा सोचना है। अगर हमारे होने से ये वाइब्रेशंस फैल जाएं, तो ये श्रेष्ठ कर्म है। आप सबके पास मोबाइल है? यस नो? मैं लेने नहीं वाली हूँ। तो मोबाइल के अंदर में एक बटन होता है ना, ऑन ऑफ। कोई भी आप टूल लेंगे, टेक्नोलॉजी लेंगे, ऑन ऑफ तो होता ही है ना। तो जब ऑन होता है तो उसका जो प्रयोग है जिस भी कार्य के लिए आप कर सकते हैं। अगर ऑफ है तो साधन है लेकिन बात कर नहीं सकते। तो मैं आत्मा हूँ ना, हम सब आत्मा है ना, लेकिन ये जो संकल्प है मैं आत्मा हूँ, ये ऑफ है। हूँ मैं तो आत्मा की जो वाइब्रेशंस हैं शांति की, अगर वो ऑन होगा वो चलती रहेंगी, आपे ही चलती रहेंगी। जो प्यार होगा, शांति होगी। शांति किस में है, आत्मा में या शरीर में? चेहरे में है शांति? नहीं, आत्मा में है। लेकिन आत्मा ऑन है, आत्मिक स्थिति में है, तो ये स्प्रेड होता रहेगा। तो सूरज को याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं सूरज हूँ, गर्म हूँ, उसमें स्थित है।
सूरज कभी भूलता भी नहीं, उसको ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ती, मेडिटेशन भी नहीं सिखाना पड़ता स्वस्थिति में स्थित होने के लिए, स्वकर्म को याद करने के लिए। लेकिन ये स्मृति और विस्मृति का खेल हम करते हैं। तो सबसे पहली हमारी पहचान जो है हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो इससे होगी कि हम आत्मिक स्मृति का जो स्विच है वो ऑन रखें। अपने आप ऑन रखना ये तब संभव है जब हमारे सामने हमेशा बाबा की निराकारी स्वरूप की वो जो तस्वीर है वो रहती है। शिव बाबा ज्योतिबिंदु निराकार हैं, उनका अपना शरीर नहीं, उनकी अपनी कार नहीं, हमारी अपनी कार है। तो किसको ज़्यादा प्रॉफिट है ना? किसको ज़्यादा मज़ा है? शिव बाबा को मज़ा है जिसकी अपनी कार नहीं, या हमें मज़ा है? किसको मज़ा है? शिव बाबा टोली खा सकते हैं, रसगुल्ला गुलाब जामुन खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हमें मज़ा है या बाबा को मज़ा है? अच्छा, डायबिटीज़ किसको होती है? तो मज़े के साथ दुख भी है, तो बाबा मज़े से भी पार तो दुख से भी पार। लेकिन ये भी आत्मा का स्वरूप है, आत्मा जन्म मरण में आए बिना तो रह नहीं सकती। तो आएंगे तो ज़रूर, कर्म भी करेंगे, लेकिन ऐसे कर्म करें जो अपना निज स्वरूप याद रहे। तो ये एक छोटी सी निशानी है, पहली निशानी है सत्य कर्म। सत्य के बाद ही श्रेष्ठ आता है, श्रेष्ठ पहले नहीं आ सकता। अगर किसी भी कागज पर अच्छी अच्छी बातें लिखनी हैं, स्क्रिप्ट लिखनी है, तो पहले वो क्लीन होना चाहिए ना। पेपर अगर सब शब्दों से भरा हुआ होगा उस पर आप क्या स्टोरी लिखेंगे? तो सत्य कर्म अर्थात आत्मा की स्थिति में रहना, आत्मा की स्मृति में रहना, और उसके बाद श्रेष्ठ कर्म अर्थात उस स्थिति से हर आत्मा को परमात्मा के नज़दीक लाना, उसके गुणों के नज़दीक लाना, अपने घर के नज़दीक लाना। द्वापर युग से कितना समय हो गया, हम ज्ञान सुनते भी रहे, देते भी रहे, लिखते भी रहे। अगर सारी दुनिया की वर्ल्ड के अंदर कितनी लाइब्रेरीज हैं मालूम है? कुछ 200 देश हैं इस दुनिया के अंदर, और इन 200 देशों के अंदर एक एक देश के अंदर कितने कितने शहर हैं? 200 शहर हैं, और एक एक शहर के अंदर 200 हज़ार हज़ार लाइब्रेरीज होंगी। तो लाखों लाइब्रेरीज हैं, उन लाखों लाइब्रेरीज़ के अंदर करोड़ों किताबें हैं, और उन करोड़ों किताबों के अंदर शंख पद्म पेजेस हैं, और उस पेजेस के अंदर कितने शब्द हैं, लेकिन वो शब्द होते हुए भी हम पाप कर्म करते करते नरकवासी बन गए। और जब बाबा आते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे इन सब लिखे हुए पढ़े हुए को भूल जाओ। इसलिए नहीं कि उसका महत्व नहीं है, इसलिए कि वो तो हमने करके देख लिया ना, तो क्या हो गया? कुछ समय के लिए तो थोड़ा बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, लेकिन फिर भी अंदर से स्वरूप तो परिवर्तन नहीं होता।
वो जो ऑन ऑफ का चक्कर है वो तो ख़त्म नहीं होता, तो ऑफ हो ही नहीं, सदा ऑन रहे, उसके लिए मुझे कौन सा कर्म रोज करना है। तो जो आत्मा ये समझ गई है कि परमात्मा मेरा पिता है और वो संपूर्ण पवित्र है, पवित्रता का सागर है, और मुझे पवित्र बनना है, उसकी सबसे बड़ी पहचान होगी कि वो नित ज्ञान स्नान को अपना प्राइमरी कर्म, मुख्य कर्म बनाएगी। नित सुबह शाम के योग को अपना सबसे ज़रूरी हिस्सा जीवन का बनाएगी, क्योंकि जब हम बाबा की बातें सुनते हैं तभी तो स्विच ऑन होगा। आज सुबह से लेकर के 3:30 बजे, कितने बजे उठते हैं आप लोग? 3, 3:30, कोई 4 बजे भी उठता है। पीछे वालों की तो पता नहीं, बात नहीं है ना, पीछे तो कोई नहीं उठता ना, सब उठते हैं ना 4 बजे, यहाँ के घर में भी उठते हैं वो सबसे पीछे वाले उठते हैं, वो सबसे पीछे वाले, हाँ वो भी उठते हैं। तो जब हम उठते हैं सुबह सुबह, बाबा की दृष्टि हम लेते हैं, शक्ति बाबा से लेते हैं, तब से लेकर के अब तक आप देखिए कि जितने भी हमने संकल्प किए, बोल बोले, कर्म किए, क्या उसके अंदर अशुद्ध था? अशुद्ध 100% शुद्ध था, ऐसा हो सकता है? अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ व्यर्थ होगा, 4 शब्द की बजाय 8 शब्द बोलेंगे, कोई संकल्प किसी के प्रति एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन फिर भी मधुबन में कम होगा। लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो जो आसपास हमारे हैं, नेगेटिविटी का जो वातावरण है, उसका जो इन्फेक्शन सदा हमारे लिए खुला हुआ है, उससे बचने के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है सुबह का योग और ज्ञान मुरली क्लास। अगर ये 2 बातें हमने अच्छी तरह से सुबह रिफ्रेश होकर के शक्ति बाबा से ले लें, तो सारे दिन के कर्मों के अंदर कम से कम 60-70% अच्छा कर्म होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और उसकी निशानी क्या होगी? खुशी। तो ये है पहचान, खुशी दिखाई देती है, कर्म दिखाई न भी पड़े, लेकिन खुशी से पता पड़ता है कि ये सत्कर्म करने वाली आत्मा है। कहावत है ना, सच तो बिठो नाच। अभी थोड़ी देर के लिए आप बैठे हैं ना, जैसे ये शरीर जो है हमारा है कि मैं शरीर की हूँ, मैं शरीर की हूँ या शरीर मेरा है, क्या समझते हैं? मैं शरीर की मालिक हूँ, ठीक है? तो अब मालिक की रीति से इस शरीर को बिठाइए, एकदम सीधा अच्छी तरह से। एक होता है ना जैसे बोरी गिर के सोफा पे पड़ी है, ऐसे नहीं, आप देखिए कितनी बोरियाँ गिरी पड़ी हैं, अब सब बोरियों को ठीक करिए, है ना? समझ गए ना, बोरी को समझते हैं ना, सैक। तो अब जब हम अपने को याद दिलाते हैं कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ, अब तीसरी पहचान है, पहली पहचान याद है कि हमारा जो कर्म दूसरे को आत्मा बनाए, सच्ची अविनाशी स्थिति का अनुभव कराए, वो है श्रेष्ठ कर्म, पहली पहचान। दूसरी,
श्रेष्ठ कर्मों की पहचान है खुशी। खुशी नहीं है तो ज़रूर कोई पाप कर्म हो रहा है, व्यर्थ कर्म हो रहा है। तो जब हम अपना चेहरा देखते हैं ना, तो खुशी कहाँ दिखाई देती है? कहाँ दिखाई देती है? तो मुरली दर्पण है। तो मुरली सुनते सुनते जो नाचता है ना, तो इसका मतलब जो मुरली कह रही है वो मेरे जीवन में है। और मुरली सुनते सुनते नींद आती है तो कुछ ऊपर नीचे है। तो तीसरी निशानी क्या है कि कर्म जब हम करते हैं अपने को मालिक समझ करके, ये शरीर गाड़ी है, रथ है, कार है, कार को चलाने से पहले कार को चलाना सीखा जाता है और सीखने के साथ साथ नियमों का पालन किया जाता है, अपनी सेफ्टी की ध्यान रखा जाता है, दूसरे का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब करते हुए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम एक्सीडेंट नहीं करते, टक्कर नहीं मारते। लेकिन जो गाड़ी चला रहा है, टक्कर मार रहा है, अपनी भी बेल्ट खुली है, दूसरे को भी परेशान कर रहा है, और फिर सुबह से लेकर के शाम तक 50 बार सॉरी सॉरी प्लीज सॉरी प्लीज़ 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 आगे नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा, ये जो सॉरी का कल्चर है, ये माया का कल्चर है, रावण का कल्चर है। सॉरी का शब्द जब से हमें मिला, हमने अपने को फ्रीडम दे दिया है गलतियां करने की। गलती करते जाओ, सॉरी बोल दो। लेकिन एक बार की हुई गलती, किया हुआ कर्म, सॉरी बोलने से क्या उसका फल नहीं मिलेगा? ऐसा कर्मों की गति कहती है क्या? नहीं कहती ना। तो ये तीसरी निशानी है कि जितना जितना मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ बाप समान की स्थिति में, तो ये सॉरी का प्रयोग कम होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अर्थात हम ऐसे कर्म करने से बचेंगे, डरेंगे। ये है हेल्दी डर, ज़रूरी डर है, आवश्यक है। अगर हमें ये डर ही नहीं कि हमारी गाड़ी है, हमारा फर्ज है, ये हमको अधिकार मिला है इस शरीर में रहकर कर्म क्षेत्र पर कर्म करने का, और हमको किसी से भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक्सीडेंट करके दुख नहीं पहुंचाना है, ये हमारी ड्यूटी है, तो हम इस डर से कभी भी किसी को नुकसान नहीं करेंगे। तो अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी याद करके किया गया कर्म श्रेष्ठ कर्म है, और उसकी पहचान है कि हम बार बार सॉरी नहीं बोलते, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करो और सोचो कि सॉरी नहीं बोलना है, वो नहीं। ऐसे कर्म ही नहीं करो जो सॉरी बोलना पड़े। चौथी निशानी, आज मुरली सुनी सबने, बाबा ने किन दो जानवरों को याद किया? शेर और, अच्छा, शेर और हाथी को। मैं कौन? जब भी हम मुरली सुनते हैं तो ये प्रश्न हम खुद से करते हैं ना,
तो आज बाबा ने शेर को और हाथी को सामने रख के मुझे क्या बात समझाई कि निडर, क्योंकि जब भी हम ये निर्णय लेते हैं कि मुझे सिर्फ ईमानदारी से जीना है, जो भगवान कह रहा है वो करना है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया मेरे साथ चलेगी। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, साथी, हो सकता है वो कहें गुड बाय, आप चलिए हम आते हैं, ये ईमानदारी के रास्ते पर पहले आप, फिर हम आएंगे। तो ये जब हम अकेले पड़ जाएंगे, तो अकेले होने के कारण जो सुनना पड़ता है सारी दुनिया से कि ये तो अपने प्रकार का है, ये तो थोड़ा आधा हाँ, और इसको तो करने दो, इसको जब पैसा नहीं होगा ना घर में, तब इसको पता पड़ेगा ईमानदारी क्या चीज़ होती है। तो ये सब करने में जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो दुनिया हमको कमज़ोर समझती है, लेकिन भगवान क्या कहता है, तुम कौन हो? शेर हो। और हाथी को ग्रुप बना के रहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा निर्णय लिया है जो मेरी अंदर की जो भावना है, आत्मा की, जिसको हम क्या कहते हैं, चेतन स्थिति मेरी, वो मान नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे 10 लोग चाहिए सहारा देने वाले, कहने कोई बात नहीं, तुम बाल बच्चे वाले हो ना, तो थोड़ा बहुत एडल्ट्रेटरी चलती है, इंडिया में रहते हो ना, तो इंडिया में तो यही होता है ना। तो मेरा जो ये ग्रुप है ना, मुझे जो मैं हूँ वैसा बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए भगवान तक पहुँचने का रास्ता सोलो है, ग्रुप डांस नहीं है, सोलो डांस है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अन्य व्यक्तियों का हमारे जीवन में और हमारी संपूर्णता में और कर्मातीत बनने में महत्व नहीं, नहीं, उन्हीं के कारण ही, सबके कारण ही, दुनिया के कारण ही, जो दुनिया की हालत है उसके कारण ही, तो अब हम ये चाहते हैं कि अब ये और नहीं चाहिए, बहुत हो गया। ये जो हम छोटे छोटे अपने स्वार्थ के कारण इतने सुंदर जीवन को, सुंदर सिर्फ क्वालिटी के रूप में नहीं लेकिन क्वांटिटी के रूप में भी, क्योंकि अब ये फूल कितना समय चलेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल, ये प्लास्टिक के फूल हैं, असली वाले नहीं हैं, लेकिन मेरा जीवन 50 60 70 80 100 जितना मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी, तो ये मेरा 60 70 साल का, 80 साल का सुंदर जीवन, हर एक साल में 365 दिन और हर एक दिन में 24 घंटे और 365 दिनों में कितने घंटे और कितने मिनट, इतना सारा समय मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ, सिर्फ अपने लिए। और परमात्मा जब 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए शरीर में आते हैं, पूरी सृष्टि के लिए सुख का साधन बना करके जाते हैं, तो हमने ये निर्णय लिया कि
कि अब हमको जो कर्म करने हैं, अब चौथी निशानी है कि श्रेष्ठ कर्म इस शरीर की ज़रूरतों, अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं को भी पार करके किया गया सर्व की इच्छा पूरी करने के लिए, सर्व को सुखी रखने के लिए किया गया कर्म श्रेष्ठ कर्म है। हजार साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, सर्वे भुवंतु सुखिना सर्वे भद्राणी पश्यन्ति। तो कभी सोचा ही नहीं जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर सर्व के सुख की बात की जाती है, सर्व के सुख की कामना की जाती है, वहाँ क्या सर्व सुखी हैं? कितनी पॉपुलेशन है इस देश की, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंटेज हैं जो कहें हम सुखी हैं? 1% भी मुश्किल से होगा। तो हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या फल हमको मिल रहा है? तो हमने मनुष्य को, ये चौथी निशानी है, बहुत जरूरी है, मनुष्य मनुष्य के संपर्क से जो सुख प्राप्त करता है वो दुनिया के हजारों साधन होने से भी प्राप्त नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो हम अपना संग, अपनी उपस्थिति, किसी से बातचीत, अपना सहयोग, समय पर किसी को सहारा, वो अपने जीवन में देखें वो कर्मों का खाता मेरा कितना है। हम गाड़ी चलाना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, एरोप्लेन चलाना जानते हैं, मोबाइल और सब स्मार्टफोन, सब प्रोग्राम, सब ये सब हमको आता है। हम गीत गाना जानते हैं, आकाश पर, चांद पे जाना जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हम दूसरे इंसान के साथ बैठ करके सुख का वातावरण बना करके अपने प्रभु के प्यार के गुण गाना नहीं जानते। तो श्रेष्ठ कर्म अर्थात मानव इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। चैतन्य आत्मा प्रभु का उपहार है इस धरती के लिए। भगवान ने 750 करोड़ गिफ्ट इस दुनिया में भेजे हुए हैं, उनमें से किसी एक आत्मा को भी रोज आप अपने सहयोग से, अपने उपस्थिति से, संग से सुख दें, एक अनेक को दें, फिर वो एक उस एक को दें, तो ये जो माला बन जाएगी, ये माला रुद्रमाला शिव के गले में स्वीकार कराने वाली माला होगी। तो शिव जयंती आ रही है ना, आ रही है ना, तो 2 दिन के बाद जब बाबा आएंगे तो कौन सी माला पहनाएंगे, पहनाएंगे ना। और उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को फ्री रखना पड़ता है। एक हमें फिर रावण ने, माया ने एक हैबिट दे दी है बहुत ज़्यादा प्लान करने की। और जो बुद्धि प्लान से भरी है उस बुद्धि को परमात्मा टच नहीं कर सकते। प्लान कागज़ पर होने चाहिए, बुद्धि खाली होनी चाहिए। और वो खाली होनी चाहिए जिससे कि कभी भी बाबा किसी को भी टच करके मेरे सामने लाएं, तो मैं आत्मा सुख स्वरूप दृष्टि द्वारा
उस स्मृति द्वारा उस आत्मा को इस चैतन्य शक्ति का अनुभव करा करके इस दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति दो। अच्छा लगता है ऐसा काम करना अच्छा लगता है? यह समझते हैं ये तो सन्यासियों का काम है, ये तो पुजारियों, नहीं, ये हम सब का काम है। हम सब सन्यासी भी हैं, हम सब गृहस्थी भी हैं, हम सब भगवान के बच्चे भी हैं, कर्मयोगी भी हैं। तो अभी बाबा के आने तक ये सुखदेव, सुखदाता, सुख सागर के बच्चे बन करके सभी को प्राप्ति कराएंगे। ओके, तो ये डांस करेंगे, सुख का डांस चल रहे हैं, लेकिन फ्री है बुद्धि, किसी को भी मिस नहीं करना है, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला है, चाहे पैसेंजर है, चाहे ट्रेन में बैठे हैं, कहाँ भी, सबको। ओके, दिस साइड, यस, वेरी गुड। देखिए अभी हमने ये संकल्प रचा ना, तो अभी कोई भी अगर साइंस वाला आ करके अपना एपरेटिस लगाएगा ना इस हॉल में, तो वो वातावरण की डिग्री बड़ी हाई होगी, बड़ी पॉजिटिव होगी। तो अच्छे कर्म करने का संकल्प रचने से इतना अच्छा वातावरण हो जाता है, तो जब करेंगे तो क्या होगा, तो सतयुग आ जाएगा। ओम शांति। खड़े हो जाएंगे, मैं भी खड़ी होती हूँ, लेकिन अभी पहले आप खड़े होंगे। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अंतर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से डिस्टेंस कर लीजिए। आएंगे आप? ऐसे हाथों को करके पीछे से ऐसे ऐसे आराम से, क्योंकि शरीर जो है वो बहुत सुंदर रथ है ना, इससे वैल्यूबल तो चीज़ हमें कोई मिली नहीं, तो इसलिए हमको बहुत आराम से, इसको रफ डफ नहीं करना, आराम आराम से करिए। फिर पंजा और एड़ी को, पहले पंजे पर, फिर एड़ी पर, फिर पंजे पर, एड़ी पर, ऐसे चलिए, आराम आराम से करते रहिए। फिर ऐसे धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कीजिए, फरिश्ता है ना तो उड़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सीधे, और सबसे ज़्यादा जब हम बैठते हैं तो यहाँ से थकता है ना, तो अभी देखिए, 1, 2, दो नहीं, सिर्फ एक तरफ, 1, 2, 1, 2, 1, 2, अभी इसी को पीछे ले जाना है, 1, 2, 3, 4, सिर्फ एक तरफ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अभी दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अभी आगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अच्छा अब हम जब कर रहे हैं तो एकदम याद रहे कि सितारा यहाँ चमक रहा है, ठीक है? अब
वो आत्मा चमकती हुई कैसे अपने शरीर को हल्के रूप से उड़ा रही है। अभी सब इकट्ठा करना है, लेकिन आराम से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करिए सब करिए। हो रहा है, उड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी जब करेंगे तो एकदम ऊपर खुला, अभी करिए नहीं, जब यहां होगा तो करिए। जो है मैं आत्मा इस शरीर को हमेशा सुखी रखना चाहती हूँ, तो बड़ा सूक्ष्म प्यार जो है, क्योंकि मालिक हो ना इस शरीर के, तो स्वयं को स्वयं ही प्यार करिए, जिसको कहते हैं ना लाइट का पाउडर लगाइए, ऐसे करके। अभी आप एक दूसरे को देखिए, ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना, देखिए देखिए एक दूसरे को लग रहे हैं ना। थैंक यू सो मच।